बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है, अपने बच्चों का एडमिशन मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गुरु गोष्ठी सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में अंचलाधिकारी रामानंद सागर ने प्रकृति को बचाने के लिए सरकार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी से अवगत कराते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के कार्यक्रम में पूरे मन से लगकर काम करने का आह्वान किया। वहीं सभा की अध्यक्षता कर रहे BO सूर्य प्रकाश ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में इसकी महत्ता बताते हुए कहा कि प्रकृति के अस्तित्व के लिए जीवन के अस्तित्व के लिए जल और हरियाली के बीच ही जीवन है। अगर दोनों में से कोई एक आगे पीछे हो तो जीवन मुश्किल है। चाहे वह कोशीय अमीबा हो या मनुष्य, सबके लिए जल एवं हरियाली की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व संकुल समन्वयक जिला सचिव मुन्ना कुमार ने अभियान गीत घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना तथा बच्चियों के विद्यालय से जोड़ने को लिए स्वरचित एक भोजपुरी कविता शिक्षा के सागर में तोता लगेबा करे में गीत प्रस्तुत किया। स्वागत गान शिक्षिका उषा कुमारी द्वारा तथा मंच का संचालन VRP सज्जाद अली ने किया। इस अवसर पर पूर्व संकुल समन्वयक राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार, दिवाकर मिश्रा, रामानंद सिंह, सुभाष प्रसाद, मुन्ना कुमार, राजीव रंजन, पूर्व प्रखंड साधन से मोहम्मद हसनैन, संजीव कुमार, राम कैलाश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य विद्यानंद सिंह, रविन्द्रनाथ सिंह, राम बड़ाई सिंह, गोरख पंडित, मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी रामानंद सागर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य प्रकाश, समाजसेवी नसरुल हक, जदयू प्रखंड प्रमुख महतो को साल डायरी माला दे से सम्मानित किया गया। जागरूकता की जरूरत है तो जल जीवन हरियाली अभी ग्रामीण परिवेश में हमें लगता है इसकी व्यापक तौर पे जागरूकता की जरूरत है। तो शराबबंदी का तो नहीं उतना व्यापक इसका ये है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरी लगन के साथ उसको भी उस मिशन को हम लोग पूरा करेंगे।